नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर असरदार और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और शुरुआत 15 सेकंड में खबर के साथ। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे के बीच जोरों पर राहत बचाव की तैयारियां। कोस्ट गार्ड के साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात, 70 ट्रेनें रद्द। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा, दक्षिण 24 परगना में बवाल, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बवाल का आरोप, पुलिस ने देसी बम किए बरामद। रांची पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी तनवीर खान को किया गिरफ्तार, मौजूद मानवी ने लगाया था शादी और धर्मांतरण के लिए प्रताड़ना का आरोप। विधानसभा चुनाव से पहले दलबदल का दौर, कांग्रेस नेता संतोष सिंह रघुवंशी ने थामा आम आदमी पार्टी का हाथ, आपकी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुची गुप्ता ने दिलाई सदस्यता। एमपी में बीजेपी का चुनावी शंखनाद, पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और नड्डा के दौरे, 27 जून को भोपाल आएंगे प्रधानमंत्री, 22 जून को बालाघाट में होंगे अमित शाह। धार में वीडियो बनने पर नाराज हुए कांग्रेस विधायक हीरा लाल अलावा, वीडियो बना रहे युवक से झुल्लाते हुए छीना मोबाइल, महिलाओं ने जल संकट को लेकर विधायक का किया था घेरा। छतरपुर पहुंची शिवरंजनी तिवारी, लोगों ने जगह जगह किया स्वागत, 16 जून को पहुंचेंगी बागेश्वर धाम, कलश लेकर पैदल यात्रा कर रही शिवरंजनी। कैबिनेट में मंजूरी के बाद आदेश जारी, जिला स्तर पर होने वाले तबादलों को लेकर हुए आदेश, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। श्री परशुराम सिन्हा का इंदौर के कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन, गरीब सवर्णों का 5 साल के लिए बनाया जाए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, सरकार को दिया 15 दिनों का अल्टीमेटम। जबलपुर में मंदिर के सामने शराब की दुकान खोले जाने का विरोध, लोगों ने मंदिर के सामने दिया धरना, धरने में कांग्रेस विधायक भी हुए शामिल। देवास में दबंगों से परेशान ग्रामीणों ने किया एसपी कार्यालय का घेराव, ग्रामीण बोले डबल चौकी में आए दिन हो रही गुंडागर्दी, हाल ही में पूर्व सरपंच पर हुआ जानलेवा हमला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रहलाद पटेल ने दी जानकारी, कहा जबलपुर में किया जा रहा विशेष आयोजन। मंदसौर में न्यूज 18 की खबर का असर, नदी से जलकुंभी हटाने का काम शुरू, न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी शिवना नदी में फंसी जलकुंभी की खबर। कोरबा में तेलंगाना कैडर के आईएएस अधिकारी पर एफआईआर, सिविल लाइन रामपुर थाने में दर्ज हुआ मामला, कोर्ट के आदेश पर आईएएस प्रदीप कुमार झा पर एफआईआर। छत्तीसगढ़ में तेलंगाना के किसान गौधान देखने पहुंचे, तेलंगाना के किसान दुर्ग में कर रहे गौछानों का निरीक्षण। दुर्ग में बोली राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन, कांग्रेस ने जो कहा वो करके दिखाया, छत्तीसगढ़ चुनाव का मैनिफेस्टो खास होगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस छोड़कर नहीं जाऊंगा कहीं, ऑपरेशन लोटस को लेकर कई लोगों ने मुझसे किया था संपर्क। साइकिल यात्रा पर निकले राजनांदगांव के यश सोनी, भूपेश सरकार की योजनाओं का करेंगे प्रचार, 25,000 किलोमीटर की होगी यात्रा, सीएम हाउस पर होगा यात्रा का समापन। अंबिकापुर में छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट, नहाने को लेकर हुआ था विवाद, मारपीट में एक छात्र घायल। रायगढ़ नगर निगम घोटाले में चालान पेश, पुलिस ने कोर्ट में पेश किया चालान, कोर्ट से आरोपियों को मिली जमानत। रायपुर में अमानक पानी की बिक्री पर कार्रवाई, बीआईएस की टीम ने की कार्रवाई, मौके से भारी मात्रा में पानी और स्पीकर बरामद। बिलासपुर के बुधवारी बाजार में सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक, आग लगने से अफरा तफरी। सारंगढ़ विलायगढ़ में गजराज की दहशत, गोबरडा तक पहुंचा हाथियों का झुंड, हाथियों की मूवमेंट से वन विभाग अलर्ट। जशपुर के पथलगांव इलाके में हाथी का उत्पात, हाथी ने 2 घरों और घर में रखे अनाज को पहुंचाया नुकसान, वन अमला करा हाथी से दूर रहने की अपील।